नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना के कारण लावारिस हुए बच्चों का पुनर्वास करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, सरकार ने कोविड 19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रक्रिया जारी की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे मैसेज फैलाए जा रहे हैं जिनमें लोगों ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को गोद लेने की पेशकश की है। मंत्रालय ने लोगों को कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले ऐसे कृत्यों में शामिल होने या उन्हें बढ़ावा देने से बचने की सलाह दी है। साथ ही मंत्रालय ने इन बच्चों के पुनर्वास के लिए कानूनी प्रक्रिया तय कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है, उन्हें जिला बाल कल्याण समिति के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। मंत्रालय ने सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि समिति बच्चों की तत्काल जरूरतों का पता लगाएगी और बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करेगी। समिति या तो बच्चों की देखभाल करने वालों को ही सौंप देगी या मामला दर मामला उसे संस्थागत या गैर संस्थागत देखभाल में रखने के लिए आदेश देगी। मंत्रालय ने कहा है कि जहां तक संभव हो बच्चों को उनके परिवार और सामुदायिक वातावरण में रखने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही उनकी सुरक्षा और हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक यदि बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी रिश्तेदारों को दी जाती है तो समिति नियमित रूप से जांच करेगी कि बच्चा ठीक है या नहीं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बैंकों पर कोरोना वायरस का कहर, अब तक 1,00,000 कर्मचारी हुए शिकार, 1,000 से ज्यादा ने गवाई जान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पूरा देश कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। महामारी की वजह से अब तक भारतीय बैंकों ने 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को खो दिया है और करीब 1,00,000 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव एस नागराजन ने ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया है कि हमने पहले ही 1,000 से अधिक सहयोगियों को खो दिया है। बैंक कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वायरस लगातार उन्हें संक्रमित कर रहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकट चल्लम ने मनी कंट्रोल को बताया है कि वायरस के कारण अब तक 1,200 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 15,00,000 बैंक कर्मचारी हैं और अब तक कोरोना वायरस से कुल 1,00,000 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोविशील्ड लेने के बाद ब्लड कोटिंग के मामले मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत से लेकर अब तक 23,000 से ज्यादा एडवर्स इवेंट के मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये मामले देश के 684 जिलों से है, जिनमें से 700 मामले सीरियस और सीवियर है। 498 सीरियस और सीवियर मामलों की जाँच जब AEFI कमेटी ने की तो इसमें से 26 मामले ब्लड क्लोटिंग के मिले। ये मामले 0.61% केस प्रति मिलियन है। ब्लड क्लोटिंग के सभी मामले कोविशील्ड देने के बाद के हैं। कोवैक्सीन को लेकर AEFI कमेटी को एक भी ब्लड क्लोटिंग की शिकायत नहीं मिली है। UK के 4 केस प्रति मिलियन और जर्मनी में 10 केस प्रति मिलियन ब्लड क्लोटिंग की शिकायत आई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ केयर वर्कर्स और खासकर कोविशील्ड लेने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि टीका लेने के 20 दिन तक AEFI की शिकायत आ सकती है और अगर शिकायत आए तो जहां टीका लिया है वहां संपर्क करें। ब्लड क्लोटिंग के अलावा कई दूसरी समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, पेट में दर्द, कमजोरी, देखने में दिक्कत शामिल है। खास बात यह है कि AEFI का कोवैक्सीन का एक भी मामला ब्लड क्लोटिंग का नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम केयर के वेंटिलेटर्स और पीएम नरेंद्र मोदी में कई समानताएं। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस बार वेंटिलेटर का मुद्दा उठाया है और पीएम से उसकी समानताएं बताई है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानता है, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार है, दोनों ही अपना काम करने में फेल हैं, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा आपत्तिजनक पोस्टर ट्वीट करके अपनी गिरफ्तारी की मांग की थी। राहुल गांधी ये पोस्टर लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही से नाराज थे। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी यह पोस्टर शेयर किया था।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, 5 दिन से ठप है टीकाकरण अभियान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का खैर तमा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात भी इससे अलग नहीं है। महामारी को खत्म करने के लिए फिलहाल फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वैक्सीनेशन के अलावा फिलहाल कोई और चारा नहीं है। इस बीच कई दिनों से कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी की खबरें लगातार सामने आई है। खास तौर पर 1 मई से 18 साल से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की इजाजत मिलने के बावजूद युवाओं को वैक्सीन की बुकिंग के स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। ऐसी खबरों के बीच जम्मू कश्मीर से भी हैरान करने वाली खबर आई है, जहां पिछले 5 दिनों से कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। कश्मीर घाटी टीकों की भारी कमी का सामना कर रही है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 5 दिनों में लोगों को वैक्सीन की एक डोज तक नहीं दी गई। मीडिया बुलेटिन से साफ पता चलता है कि कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में किसी भी नागरिक को इस दौरान वैक्सीन नहीं लग पाई है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाने वाले लोगों का कहना है कि यहां टीके की कमी की वजह से 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण भी नहीं हो पा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तोकाते चक्रवात के चलते मुंबई में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव, सैकड़ों पेड़ गिरे। जी हां दोस्तों, तोकाते चक्रवात की वजह से मुंबई में सोमवार को भारी बारिश हुई। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर सैकड़ों पेड़ उखड़कर गिर गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से तूफान से संबंधित स्थिति पर बातचीत की। मुंबई में बारिश के कारण जगह जगह पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। भारी बारिश और हवाओं के कारण मुंबई में शिवसेना भवन के पास पेड़ और बिजली का पोल उखड़ गया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि तूफान को लेकर महाराष्ट्र सरकार पिछले 3 दिनों से सतर्क है। राज्य आपदा प्रबंधन 24 घंटे काम कर रहा है। सारे जिलों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। लगातार बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। बीकेसी के कोविड सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 193 मरीज, जिनमें 73 मरीज आईसीयू में थे, उन्हें विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को तेज हवाओं के चलते झोपड़ी पर पेड़ गिरने से 2 बहनों की मौत हो गई थी, जबकि 1 महिला घायल हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश सरकार कोरोना मरीजों के लास्ट राइट के लिए देगी 15,000 रुपए की आर्थिक मदद। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकारें अपने अपने स्तर से लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही एक कदम आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने उठाया है। सरकार ने कोरोना से मरने वालों के लिए अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि हर कोरोना मरीज की मौत के बाद उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए दिए जाएं। इसके लिए आंध्र प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय सभी जिलों को जरूरी फंड भी जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 45 दिनों में 12 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, केट ने मांगी सरकार से वित्तीय मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर देश का व्यापार भी दम तोड़ रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि देश का व्यापार बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। केट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से पिछले 45 दिनों में भारत के घरेलू व्यापार को 12 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और निश्चित रूप से ऐसे समय में जब लॉकडाउन वापस लिया जाएगा, तब व्यापारियों को अपने व्यापार को दोबारा खड़ा करने के लिए बेहद मुश्किल होगी। प्रतिवर्ष देश भर में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। देश में लगभग 8 करोड़ छोटे व्यापारी है, जो देश के घरेलू व्यापार को चलाते हैं। इसी बड़े नुकसान को देखते हुए भरतिया और खंडेलवाल ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि लॉकडाउन हटने पर व्यापारियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को बहाल करने के लिए एक वित्तीय पैकेज दिया जाए। व्यापारियों की जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की नहीं है, बल्कि राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य के व्यापारियों के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को सरकार की ओर से घोषित पैकेज में कोई जगह नहीं मिली थी, जबकि बाकी सेक्टर के हितों का पूरा ध्यान रखा गया था।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री COVID-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना बनाने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पैनी नजर है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि कोरोना के दौरान हमारे कर्मचारी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान कई लोगों की जान गई है, उनके परिवारों की देखभाल के लिए हमने 2 योजनाएं बनाने का फैसला लिया है, जिसमें से एक है मुख्यमंत्री COVID-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थायी कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक इन सभी के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। थोक महंगाई दर अप्रैल में अब तक के उच्चतम स्तर पर। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रा स्फीति अप्रैल में अब तक के उच्चतम स्तर 10.49% पर पहुंच गई है। मार्च 2021 में WPI मुद्रा स्फीति 7.49% और अप्रैल 2020 में ऋणात्मक 1.57% थी। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति में लगातार चौथे महीने तेजी हुई है। इस दौरान अंडा, मांस और मछली जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते खाद्य वस्तुओं की मुद्रा स्फीति 4.92% रही। हालांकि सब्जियों की कीमतों में 9.03% की कमी हुई। दूसरी ओर अंडा, मांस और मछली की कीमतों में 10.88% की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में दालों की महंगाई दर 10.74% थी, जबकि फलों में यह 27.43% रही। इसी तरह ईंधन और बिजली की मुद्रा स्फीति अप्रैल में 20.94% रही, जबकि विनिर्मित उत्पादों में यह 9.01% रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेक्सिको की एंड्रिया मीजा को मिस यूनिवर्स का खिताब। जी हाँ दोस्तों, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता का ऐलान हो गया है। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है। 69वें मिस यूनिवर्स समारोह का आयोजन फ्लोरिडा स्थित सेमिनोल हॉल रॉक होटल में किया गया था, जहां पूर्व मिस यूनिवर्स जोजिबिनी टुंजी ने एंड्रिया को विश्व सुंदरी का ताज पहनाया। एंड्रिया मेक्सिको की तीसरी महिला बन गई है जिन्होंने इस खिताब से नवाजा गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इसराइल ने हमास की सुरंगों पर बोला हमला, कई कमांडर हुए ढेर। जी हां दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग तेज हो गई है। साल 2014 के गाजा युद्ध की तरह तनाव बढ़ रहा है। इस बीच इसराइल ने गाजा सिटी के अंदर हमास की महत्वपूर्ण सुरंगों को निशाना बनाया है, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने जेट से भारी बमबारी की है, जिसमें हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमले में 15 किलोमीटर लंबी हमास की सुरंग को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 9 हमास कमांडरों का ठिकाना था। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने हमास के हाई प्रोफाइल कमांडरों को निशाना बनाया है। हालांकि इजरायल ने मृतकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान से US फोर्सेस की वापसी से खौफ में है चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खतरे में पड़ने का सता रहा है डर। जी हां दोस्तों, अमेरिका का कट्टर विरोधी चाइना चाहता है कि US फौज अफगानिस्तान में बनी रहे। हालांकि इस चाहत के पीछे अफगानिस्तान का हित नहीं बल्कि उसका खौफ है। दरअसल बीजिंग को डर है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगान में फिर से आतंकवाद भड़क सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना खतरे में पड़ जाएगी। इसी के मद्देनजर चीन ने मध्य एशियाई देशों से सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख 11 सितंबर जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। उसे लग रहा है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता का असर उसके सिंजियांग प्रांत पर भी पड़ सकता है और कट्टरपंथी ताकतें यहां सिर उठा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मध्य एशिया के विदेश मंत्रियों से कहा है कि उन्हें आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
ताकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कोई खतरा न आए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान टोकटे के कारण जहां तटीय इलाकों में भारी बारिश व तेज हवाएं चल रही है, वहीं इसका असर अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। इस तूफान को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर है। साथ ही उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम के मध्य भागों में देखा जा सकता है। इन सब का असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। तोकाते के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कई स्थानों पर बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश के होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हिमालय, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोना 348 रुपए की तेजी के साथ 47,547 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं पिछले कारोबारी दिन यह 47,199 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा दोस्तों चांदी 936 रुपए बढ़कर 71,310 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि शुक्रवार को 70,374 रुपए पर बंद हुई थी। दोनों के वायदा भाव में भी बढ़ोतरी हुई है। बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार की तो दोस्तों सोना बढ़त के साथ $1,853 प्रति औंस और चांदी सपाट $27.70 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल में बढ़ते कोरोना केस के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत, चीन को छोड़ भारत से लगाई मदद की आस। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहां हजारों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज सैकड़ों मौतें हो रही है। इस बीच देश में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की नजर इन दिनों भारत पर टिकी है। वो चाहते हैं कि भारत उन्हें इस मुश्किल घड़ी में मदद करे। हालांकि ओली की दोस्ती चीन से रही है, लेकिन मदद की आस में वो भारत पर नजर टिकाए हुए हैं। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के विदेश मामलों के सलाहकार रंजन भट्टाराय ने कहा है कि नेपाल की नजरें भारत पर टिकी है। उनके मुताबिक ओली चाहते हैं कि भारत उन्हें महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन, ICU बेड और वेंटिलेटर की सप्लाई करे। आपको बता दें कि संसद में विश्वास मत गवाने के चार दिन बाद KP शर्मा ओली ने शुक्रवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वो अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। LPG सिलेंडर पर 800 रुपए मिल सकते हैं वापस, करना होगा यह काम। जी हाँ दोस्तों, LPG सिलेंडर के रेट काफी बढ़ गए हैं, लेकिन एक तरीके से आप 800 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोसेस अपनाना होगा। अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो 800 रुपए का कैशबैक नहीं मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, पेटीएम ने रसोई गैस ग्राहकों के लिए ऑफर निकाला है। पेटीएम ऑफर के इस्तेमाल से आप अच्छा कैशबैक पा सकते हैं। ये ऑफर 31 मई 2021 तक रहेगा। जो ग्राहक पहली बार पेटीएम से गैस बुक करेंगे, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। गैस बुकिंग के बाद पेमेंट करने पर पेमेंट ग्राहक को 800 रुपए का एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा। इसमें आपको 10 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको पेटीएम ऐप पर अकाउंट बनाना होगा। पेटीएम में शो मोर पर क्लिक करना होगा और रिचार्ज और पे बिल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद बुक ए सिलेंडर पर क्लिक करना होगा। अपने गैस प्रोवाइडर को चुने और जिसमें भारत गैस HPCL इंडियन दिया होगा। अब अपना मोबाइल नंबर या LPG ID भरें। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद स्क्रैच कार्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जिसे स्क्रैच करके आप यह फायदा उठा सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।